हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी एंड सीआईटी से रिलेटेड चैनल में। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो वेल्डिंग थ्योरी में, वो वीक फर्स्ट है आपका, डे सेकेंड है। और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग, जानेंगे कि वेल्डिंग क्या है और यूज़ इन वेल्डिंग, कहाँ पर वेल्डिंग का यूज़ होता है और फर्स्ट एड क्या होता है यानी प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है और उसमें जरूरी सामान की सूची क्या होती है प्राथमिक चिकित्सा में, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड जॉब थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो आपने सब नहीं देखा तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो आज का है आपका क्वेश्चन। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर या फिर आप लैपटॉप चला रहे हो लैपटॉप पर देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, वेल्डिंग व्यवसाय ट्रेड से आप क्या समझते हैं, वेल्डिंग क्या है, इसके प्रमुख उपयोगों यानी यूजिस क्या वर्णन करो, ठीक है। तो दोस्तों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआईज में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनमें से कुछ इंजीनियरिंग व्यवसाय हैं और कुछ नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय है, ठीक है दोस्तों, यानी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। वेल्डिंग एक इंजीनियरिंग व्यवसाय है, इस ट्रेड की प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष की है, ठीक है दोस्तों। तो जो क्वेश्चन भी आपका साथ में निकल जाता है कि वेल्डिंग जो है वो कितने वर्ष की ट्रेड है, तो 1 वर्ष की ट्रेड है, इसमें वेल्डिंग के बारे में प्रशिक्षण जो दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे जानेंगे इसमें वेल्डिंग का जो है परिभाषा क्या है। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि वेल्डिंग की परिभाषा क्या है या फिर किसी इंटरव्यू में पूछ लिया आपसे, तो क्या बताएंगे आप, वेल्डिंग यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को स्थायी रूप से जोड़ते हैं, अर्थात वेल्डिंग वह क्रिया या ऑपरेशन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को एक उचित तापमान पर दबाव यानी प्रेशर या बिना प्रेशर के जोड़ सकते हैं। जोड़ की खाली जगह को भरने के लिए फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ प्रकार की वेल्डिंग में पूरक धातु या फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती। फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली वस्तुओं के गलनांक से कम होता है। दोस्तों जो फिलर मेटल है कि कहीं जो कई वेल्डिंग होती है उसमें फिलर मेटल की आवश्यकता होती है और कई वेल्डिंग उसमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपकी आर्क वेल्डिंग है उसमें जो है फिलर मेटल की आवश्यकता होती है, पर स्पॉट वेल्डिंग में जो होती है स्पॉट वेल्डिंग उसमें आपकी फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है दोस्तों। स्पॉट वेल्डिंग आप जानते होंगे जो हमारे तवा या फिर और अन्य एक्सेसरीज पे की जाती है, ठीक है। तो स्पॉट वेल्डिंग में जो फिलर मेटल है हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उपयोग यानी कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है वो पढ़ेंगे दोस्तों। यूजेस यानी उपयोग, इंजीनियरिंग उद्योग में वेल्डिंग का प्रयोग लगभग हर जगह किया जाता है, जैसे रेलवेज, पुलों का निर्माण, हवाई जहाज बनाने, बड़े बड़े भवनों यानी बिल्डिंग्स बनाने और घर बनाने तक में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले केवल लोहे को ही औजार का लोहे को ही और लोहार द्वारा जोड़ा जाता था, जिसे ताव लगाना कहते थे। दोस्तों पुराने ज़माने में लोहार ही इसका काम करते थे, लेकिन आजकल वेल्डिंग द्वारा हर प्रकार की वस्तु धातु मिश्रित धातु को आपस में जोड़ा जाता है। वेल्डिंग की विधियाँ यहाँ दोस्तों वेल्डिंग की ये पढ़ लिया हमने, वेल्डिंग की नई विधियों द्वारा एल्यूमिनियम, पीतल यानी ब्रास, कांसा, मिश्रित इस्पात यानी अलॉय स्टील, कास्ट आयरन तथा मोनल मेटल आदि धातुओं को जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सारी दोस्तों इन सब चीज़ों को आज के युग में जोड़ना आसान हो गया, पहले हम एल्यूमिनियम ब्रास वगैरह को नहीं जोड़ पाते थे, ठीक है। तो ये था दोस्तों, जानेंगे रेलवे में किस का क्या काम आता है। तो रेलवे में दोस्तों ये क्या काम आता है, रेलवे में रेल के डिब्बे बनाने तथा दूसरे कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज के निर्माण के लिए इसमें भी इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, यानी हवाई जहाज की पंखड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए या फिर अदर पार्ट बनाने के लिए वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है जहाँ पर वेल्डिंग का कार्य बहुत ही अधिक किया जाता है, जैसे बस कारें, ट्रक, स्कूटर व मोटरसाइकिल इत्यादि बनाने में किया जाता है, ठीक दोस्तों। आगे है फोर्थ पार्ट, ट्रैक्टर उद्योग में भी इसका काम बहुत होता है। तो ट्रैक्टर उद्योग बनाने के लिए यानी ट्रैक्टर बनाने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर ट्राली का निर्माण व दूसरे अन्य पार्ट्स का। ऑडियंस फैक्ट्री
ऑडियंस फैक्ट्री दोस्तों, इसमें वैकेंसी वो भी निकलती है, अप्रेंटिसशिप भी निकलती है। इस प्रकार के उद्योग युद्ध संबंधी सामग्री तैयार करते हैं, जैसे टैंक, मोटर, गाड़ियाँ, रॉकेट, तोप, बंदूक आदि। इन सभी में वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑडियंस फैक्ट्री में आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। भवन निर्माण, भवन निर्माण यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े भवनों के ढांचे वेल्डिंग द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। पुल बनाना, पुल तथा पुल बनाने के लिए भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पुल में जो सरिया वगैरह है उसको वेल्ड करने के लिए भी वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। आगे बांध बनाने के लिए, बड़े बड़े बांध बनाने के लिए वेल्डिंग का बहुत उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष उद्योग, यह एक आजकल का आधुनिक उद्योग है। इसमें मशीनों का निर्माण भी वेल्डिंग के बिना असंभव है, ठीक है दोस्तों। तो जो अंतरिक्ष उद्योग होता है उसका भी इसमें पार्ट वेल्डिंग का यूज़ होता है, ठीक है। फर्नीचर बनाने के लिए दोस्तों, आजकल का इस उद्योग का लगभग सारा काम वेल्डिंग के द्वारा किया जाता है, जैसे लोहे का पाइप, औजार, फर्नीचर, अलमारी, मेज और कुर्सियाँ आदि बनाने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं, वेल्डिंग का। जैसे आप देखते हुए दोस्तों बाजार वगैरह में या आपके घर में भी कई चीज़ें लोहे की होगी। भारी उद्योग, बड़े 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 या भारी उद्योगों की स्थापना वेल्डिंग के बिना असंभव है, ठीक है दोस्तों, असंभव नहीं है। जैसे सीमेंट उद्योग दोस्तों, सीमेंट उद्योग में दोस्तों हर काम वेल्डिंग से ही होता है। जैसे कपड़ा मिल उद्योग, चीनी मिल, पेपर उद्योग और तेल सौदा कारखाने, दवाइयाँ बनाने के कारखाने, सब दोस्तों वेल्डिंग के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों, खनिज पदार्थ उद्योग में, इसे माइनिंग उद्योग भी कहते हैं। इसमें पृथ्वी के नीचे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं व इन्हें साफ किया जाता है, जैसे तांबा उद्योग, लोहे इस्पात उद्योग एवं कोयला उद्योग इत्यादि। साइकिल उद्योग, साइकिल बनाने के लिए वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों, भारी मशीनें बनाने के लिए, हैवी मशीन बनाने के लिए वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। छोटे उद्योगों के लिए, छोटे छोटे उद्योगों के लिए में भी वेल्डिंग का काम किया जाता है, जैसे बॉयलर बनाने के लिए, साबुन बनाने वाली फैक्ट्री, वाटर टैंक बनाने इत्यादि, इसमें भी किया जाता है छोटे उद्योगों में। 16वां पॉइंट है, पुराने ढांचे इत्यादि को उखाड़ने के लिए भी वेल्डिंग को कटिंग, जैसे वेल्डिंग से कटिंग करते दोस्तों, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है आपका 17वां, रिपेयर वर्क यानी रिपेयरिंग के लिए। आजकल का अधिकतर धातुओं से बनी वस्तुओं की रिपेयर वेल्डिंग द्वारा ही की जाती है। जिग फिक्सर बनाने के लिए, जिग और फिक्सर बनाने के लिए भी व दूसरे जुगाड़ बनाने के लिए वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। बिजली व दूरदर्शन के टावर स्थापित करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, जैसे बिजली, जो दोस्तों आपको बड़े बड़े बिजली घर, बिजली सप्लाई व दूरदर्शन के टावर वेल्डिंग के द्वारा ही, वेल्डिंग की सहायता से बनाए जाते हैं दोस्तों। इन सब चीज़ों में भी अप्रेंटिसशिप और जॉब निकलती रहती हैं। तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जॉब और आने वाले जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है जानेंगे। वर्कशॉप में दुर्घटना किसी भी समय घट सकती है और उस समय पर डॉक्टर का तुरंत उपलब्ध होना मुश्किल होता है। अतः अचानक दुर्घटना या बीमारी के अवसर पर डॉक्टर के पहुंचने पर अस्पताल जाने से पहले घायल या बीमार व्यक्ति को दिए जाने वाली आवश्यक उपचार को ही प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों, 6वां क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी सामान सूची बनाओ। प्राथमिक चिकित्सा के लिए निम्नलिखित सामान होना चाहिए, जिसमें दुर्घटना होने पर या बीमारी की हालत में प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके, ठीक है दोस्तों। ये सूची है, जैसे कि क्या क्या होना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा में, पट्टियाँ, रुई, टिंजर, आयोडीन, डिटोल, पोटेशियम परमैंगनेट, स्पीटर्स, और दोस्तों अमोनिया, ठीक है, अमोनिया है, और क्या है आपका मर्क्यूरोम, सोडा बाइकार्ब, सूंघने का नमक, ये दोस्तों आपके पास होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, स्पीटर्स होना चाहिए, अमोनिया होना चाहिए, अमोनिया पहले भी आ गया, म्यूक्रोम भी पहले आ गया, सोडा बाइकार्ब ये भी पहले आ गया, सूंघने का नमक, एपीसी, बर्नोल, प्लास्टर दवाई वाला, ठीक है दोस्तों। जालीदार कपड़ा होना चाहिए आपके पास, कैंची होना चाहिए, गिलास होना चाहिए, ड्रॉपर, स्ट्रेचर, आँख साफ करने का सामान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो
तो कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सिंपल सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।